आएगा ट्रेन में। अब यहाँ पर देखो, मैंने इसको सेफ्टी के साथ में रखा हूँ रहमान भाई, और सिंग का डैमेजेस नहीं है, रस्सी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है। रीजन क्या है कि बकरा उतना एग्रेसिव नहीं है, मेरे को अभी तक है उसने कोई सिम्टम्स बताया, जिस दिन सिम्टम्स बताएगा उस दिन करेंगे। ये बच्चा अच्छा सिक्के पे मजबूत, अब ये बकरे का सिक्के छूटे ही गए पहले से, ये पहले से अब भी आया है। अच्छा, 15 दिन हो गए अभी, कल ही केज में था, पहले ही टूटा हुआ। हाँ, ये 15 दिन पहले आया और कल ही केज में शिफ्ट हुआ, ये कल ही केज में शिफ्ट हुआ। तो ये केज में शिफ्ट होने वाले वहां पर बांधे हुए है ना, बांधे। हाँ, बराबर वो बकरे को खड़ा कर दो। चल चल चल, ये अपने पास 6 महीने से पहले से रखा हुआ था, तो ये अभी बाकी सब रिसेंटली आए हुए बकरे पलाए, तो ऑलमोस्ट 2 महीने से सेट ही हो रहे। चले पढ़ाओ पढ़ाओ, काफी अच्छे कलर में हमारा। ये भी वही है जो जहरी था नहीं क्या, उनका ही बकरा है, सरफराज भाई है। या हालांकि अपन उंगली करेंगे तो हरकतें बताता, वरना कुछ भी नहीं करता, चुपचाप चुपचाप बाहर निकाल देंगे तो मस्ती करेंगे, मस्ती करेंगे। ऐसा फंसा के निकालने के, जा रबर डाल दूंगा तो वो सेफ्टी हो जाएगी, लेकिन कर नहीं सकते अभी, इसको बैठा हुआ अपन ने उंगली की है, बकरे को नेचुरल। एट द एंड उंगली करोगे तो एक्शन करेगा ना, एक्शन उंगली करोगे तो एक्शन होगा, और एक्शन का रिएक्शन भी फिर बाद में आएगा। हम लोग खामोश है तब तक अच्छे, तब तक अच्छे, जब उंगली करेंगे तब फिर रिएक्शन मिलेगा। हमारे पास ये ले लो, मैं बोला ना मेरा स्क्रिप्ट राइटर किधर है, उधर वो बर्तन वाला अच्छा लगा था, खाली बर्तन वाला। अच्छा फैजल भाई क्या कर रहे हो? पका रहा हूँ। अगर ये कॉन्क्रीट में होता है माशाल्लाह मट्टी में मजे ले रहा है, एंड इनके खुरों के लिए भी काफी अच्छा है, ये जो घसेंगे ना माशाल्लाह उनको और अच्छा इम्पैक्ट है उसके। पहले ना भाई जब जाता था ना बाकी फार्मों पे, जब मैं फार्म नहीं चला था तब ना भाई देखता था कौन कौन से फार्म पे जाते थे। मजाक था मजाक। तो पहले आज जब अपन खूपे बांध के बकरे बांधने लगे ना, अब लोगों ने कॉपी करना चालू कर दिए, इन लोग ने भी कंक्रीट के अंदर खट्टे करके करके खूटे बांधने लग गए। नहीं, अच्छी बात है क्या, चलो अपने को देख के कोई अगर अच्छी चीजों के ऊपर जा रहा है ना, तो लोगों का फायदा हो रहा है, कस्टमर लोगों का। पहले झाड़ में जाली में बांधते थे, जालियों के अंदर जगह नहीं बचती थी, खड्डे घुसाना ऐसा घुसाना पड़ता था जाली के अंदर और बांधना पड़ता था। मैंने भी काफी बकरे बांधा हूँ, आज बराबर देख ली कि भाई जमीन पे खूटे बांधे, खूटे खरीद के लाके बांध के खूटे में बकरे का। तो ये सब लोग सीख रहे, देखो सीख रहे। वो लोगों से हम लोग भी कुछ सीख रहे, हमसे हमसे भी वो कुछ तो डेली सीख रहे। अडॉप्शन इज अ गुड वे, वी आर अडॉप्टिंग, आप भी अडॉप्ट करो, है ना। खसियों के लिए जगह है अपने पास शायद, खस्सियों के लिए पलाई पे, ये पूरा खस्सी का है। अगर पलाई पर आते हैं खस्सी तो रख देंगे, रख देंगे। ऑलमोस्ट 70 के करीब खस्सी है मेरे पास, ये बाड़े में, ये 70 के करीब है। ये अंडू बकरे जो खूटे पे बंधे हुए है ना, ये ऑलमोस्ट केज में जाने वाले, ये रिसेंटली आए हुए है ऑब्जर्वेशन में, ये और 5 दिन के दौरान में तुम नेक्स्ट वीक आओगे ना तो बकरे दिखेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ भी केज बना दो फैसल भाई, फिर यहाँ पर ये खस्सी का ही रहेगा, ये पूरा एंड तक खस्सी का रहेगा, खस्सी का बीच में यहाँ से साइड से लेंगे केजेस के लिए। माशाल्लाह, ये अभी रेस्ट मोड पे है सर, अब आ ही गए तो यहाँ दिखा दो, बाकी वहाँ घुसते हैं। माशाल्लाह रेस्ट ही है सब आराम। अब ये बकरे का ही देखो, ये पीछे से इसकी गंदगी देखे, ये आया हुआ था बाहर से, कम से कम 15 दिन तक इसने इतना सताया, ऐसा मुंह देखो, अभी ये अभी फिट एंड फाइन हुआ है, बहुत ज्यादा दिमाग तबियत खराब थी, बहुत ज्यादा एकदम वर्स्ट कंडीशन है। अगर ऐसे बकरे अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो रहमान भाई तुम क्या बोलोगे, क्या मैं मेरी दुकान नहीं चल रही इसलिए ले रहा हूँ क्या? मैं लोगों ने क्या बोले भाई, तुम लोग बीमार बकरे लेके बाकी बाकी बकरों को रिस्क पे उठाते हो, तो क्या जंगल में वैक्सीनेटेड बकरे मिल रहे? कुछ नहीं, तो कहाँ जाएंगे, आदमी परचेसिंग करता है। कुछ बकरे आते जो आने के साथ में फिट एंड फाइन बता रहे हो, 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद बीमार पड़ रहे, तो उसका क्या करेंगे? तो वो भी बीमार हो रहे हैं। अब चलो ये एंट्री के पास मेरे को बीमार दिखा तो मैं क्या बोलूँ, भाई लेके चले लेके जा,
तुम बंदे मर गया तो फिर वो पीछे साइड फेंक देंगे, वो पीछे जगह रहती है ना अपने पास, वो फेंक सकते हैं वो। फिर आप बोलते हो कि हम पलाई पे बगैर हम फार्म चला रहे हैं, हम शॉप कर रहे हैं, हम ये डायग्नोस वो डायग्नोस इधर का डायग्नोस उधर का डायग्नोस, जिंदगी बात है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में नहीं है? अल्लाह के हाथ में ही है भाई। आजकल आजकल नया फैशन आ गया है कि भाई अपने फार्म को फेमस करने के लोग इन्हें अल्लाह को भी बोल रहे कि भाई अब माशाल्लाह जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में नहीं है। देखो एक होता है टेक्निकली बात बताऊंगा, बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, एग्जैक्टली अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, वजन एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो हमारी कोई औकात नहीं। अल्लाह ताला ने मेरे को हयात रखा है, तुमको रखा है, तभी हम मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसके अंदर मेहनत का अजर दे रहा है जो भी। अब एक चीज होती है उसके अंदर, क्या गलती तुम्हारी या मेरी, समझो फॉर एग्जाम्पल ये बकरा है या भी फिट एंड फाइन, इंजेक्शन देते टाइम पे मेरे से ओवरडोज हो गया, बकरा मर गया, और मैं सामने वाले को जाके बोल दूंगा भाई अल्लाह की मर्जी थी बकरा मर गया, तो ये गलत चीज है। हाँ तो उसका एनालिसिस कैसे कर पाओगे आपके? अभी मैंने फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड फार्म पे चले, अब वहाँ मेरा बकरा मर गया, तो क्या उसने वो बकरे को होटल से के मार दिया? कोई भी फार्म वाला जानबूझ के नहीं करता है, कोई भी फार्म, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी फार्म वाला, मैं किसी एक के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं सब अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम गोट फार्मर्स के लिए। कोई भी फार्म वाला जानबूझ के आपके बकरे को नहीं मारे, नहीं मारे, नहीं मारे, खुदा ना खास्ता कभी किसी से ओवरडोज हो गया मर गया, फार्म वाले को मालूम है, तुम फार्म चलाते हो, मैं फार्म चलाता हूँ, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमको मालूम है कि भाई इंजेक्शन दिया नहीं दे दिया, और भाई देखो क्विक विद इन, अगर ओवरडोज का रिजल्ट है ना विद इन 2 सेकंड बकरे की मौत है, तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मेरी गलती से मरा है ना तो वो मेरे को भर के देने में लाजमी है, जो मैं भर के दूंगा। तो ये चीज होती है कि भाई नहीं फैक्ट गारंटी की अगर बात कर रहे हैं कि हम लोग गारंटी नहीं लेते, आप भी ले लेते हो, मैं भी ले लेता हूँ, बाकी का नहीं पता है, हम लोग हमारी बात करेंगे, तो गारंटी नहीं लेते वजन की, हम लोग गारंटी नहीं लेते क्योंकि हम लोगों ने अल्लाह के ऊपर छोड़ा है भाई, तो तुम्हारा तवक्कल अल्लाह के ऊपर नहीं है क्या? है हमारा तवक्कल अल्लाह के ऊपर, क्या तुम तवक्कल अल्लाह के ऊपर रख के और चलो ना आगे। एक बकरा मेरे पास सल्ला मारने की पोजीशन पे था आज, माशाल्लाह केज में खा पी के बस थे, एक बच्चा अच्छा खासा फिट था लेकिन चले गया, वही कोई भी फार्म वाला नहीं करेगा, तो आपकी यहाँ लैक ऑफ नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है, अगर जैसे रहमान भाई आप फार्म ओनर हो, आप फील्ड में खुद उतरते, खुद मैं फार्म ओनर हूँ, मैं फील्ड में खुद उतरता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है, तो हम लोग वो बता रहे कस्टमर लोग। ये चीज मैंने बहुत अभी को बात को काट रहा हूँ, एक अच्छी बात बोला आपके फ्रेंड भाई, बोले कुछ फार्म है जहाँ पर उनके ओनर्स रेगुलर आते हैं, जैसे कि आप डेली आते हो, मैं हफ्ते के 4 से 5 दिन यही रहता हूँ, सैटरडे संडे भी रहता हूँ, मंडे छोड़ के ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे रहता हूँ, और ऐसे और बहुत लोग जो रेगुलर आते हैं, वो फार्म पे आदमी इतनी सी ये गोट फील्ड है ना, इसमें राय के दाने बराबर भी चूक हो जाएगी ना, तो बकरे की मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं, और उसमें ना गट्स चाहिए क्या मेरे फार्म पे? मैंने तुम्हारे को क्या बोला कि आने के साथ में 3-4 बकरे बुखार में आ रहे डेली बेसिस पे क्लाइमेट चेंज के, तो वो गट्स होना चाहिए क्या बताने कि मेरे फार्म पे बकरे बीमार हो रहे हैं, मेरे फार्म पे बकरे रिवर्स जा रहे हैं, और मेरे फार्म पे बकरे बीमार मर रहे हैं, ये तुम बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ, और कौन बता रहा है मुझे, ना मुझे कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा है, मैं तो चैलेंज देता हूँ, किसी की हिम्मत भी नहीं बोलने की मेरे फार्म पे इतने बकरे पड़े, इतने रिवर्स हो, इतने की, कोई नहीं बोल सकता, हम ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट, हम लोग हकीकत बता रहे, तो लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? हकीकत बता रहे इसलिए हो रही है, इसलिए हो रही है, हमारे इसलिए हो रही है, सिंग भी टूटी, हम भी बोलते हैं, ऑन कैमरा बोलते टूटी है, कल रात को टूटी हमारे फार्म पे बकरे की सिंग टूटी है, बकरे तो टूटी है, इसमें कौन सा छुपाने का यार, बिंदास है, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं, नहीं ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ गोट फार्मिंग है, ये होगा ही होगा। अगर कोई बोलता है कि हमारे फार्म पे कुछ नहीं हुआ, ये देखो अभी तुम्हारे सामने घसम घसी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो इसका प्रिकॉशन मैंने देख लिया, मैं प्रिकॉशन करूंगा, इसको ये केज में था बकरा,
अच्छा, इसको केस से यहाँ पर क्यों लाया गया है? ठीक है, रोज टन 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 केस बजाते रहता है, तो इसको अभी लेके आए। और देखो अभी तो अभी यहाँ पर फंस रहा है, अब गुस्से में आके यहाँ पर ही मारा तो यहाँ पर भी तोड़ सकता है। अब मैंने क्या किया मालूम इसका ऑप्शन, मैंने बोला क्या तकरीबन बकरे ना बीच में ना सिंह घस रहे थे, तो मैं बोला अरे यार क्या करूं यार, होस पाइप डाल रहा हूं, होस पाइप घस के निकाल दे रहे और सबको होस पाइप डाल रहा हुआ था सबको, मतलब समझ लो मेरा कितने का होस पाइप गया रहेगा आप सोचो, आधे से ज्यादा बकरों ने निकाल दिया। बोला अभी इसका ऑप्शन क्या करे, मैं मेरे भाइयों के ऊपर भड़क रहा हूँ, तुम लोग कैसा बांध रहे कैसा नहीं। अरे बोले हम लोग क्या करे, फिर मैंने क्या किया इंसुलेशन टेप आती है ब्लैक, वो ब्लैक टेप अंदर बांधा, फिर होस पाइप चढ़ाया, फिर भी निकाल रहे टेप घस के निकाल रहे। बोला आप करने का क्या, तो मैंने एक ऑप्शन किया, राय का तेल जो अपना मसाला वाला बनाया वाला सबके सिंह पे लगा, देखो सिंह काली है सबकी, सबकी सिंह काली, रीजन क्या है राय नहीं दी, तो वो मैंने लगा दिया, तो ये सिंह है ना घसना है ना बंद कर देते, ये वापिस चले, अभी 5 दिन हो गए, देखो इसकी भी सिंह काली, अभी हाथ आप लगा। नहीं, किसी ने बोला था कि राय के तेल सिंह पे लगाने से ये नया क्या है खुजली नहीं, ये मैंने आइडिया लगाया, ये मैंने लगाया, मैंने ही कर चुका हूँ, अभी शुरू किया ये प्रोसेस अभी किया मैं आपको, ये मैंने ना शादी का फार्म खोला था तो मैंने ना तेल राय का तेल का बना के सबके सिंह पे लगा था, बस पूरे फार्म पे एवरी डे ऑल्टरनेट डेज मेरा तेल लगा था। एंड में क्या होने लगा, जब बकरा सिंह तोड़ने लगा ना तो जब मारता था ना तो सिंह वही के वही पूरा कवर निकल जाता था, बिकॉज कवर इतना नरम हो जाता था कि कवर डेली बेसिस पे नहीं बोला, हफ्ते में एक बार नहीं महीने में एक टाइम खाली मालिश मांग, क्योंकि वो ड्राइनेस जैसा इनके बॉडी पे भी ड्राइनेस आता है ना, तो मैंने अपनी लॉजिक लगाया रहमान भाई, देखो तुमने एक्सपीरियंस करके देखा था, तुमने मेरे को बताया, तुमने मेरे को सिखाया कि भाई डेली बेसिस पे मत मत करो, मैंने क्या लॉजिक लगाया क्या भाई, ठीक है घस रहा है ना तो एक टाइम पे तेल मारो, एक टाइम महीने में एक टाइम, महीने में एक टाइम डेली बेसिस पे करे सॉफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कवर टूटेगी, 99% कवर निकलेगा, सिंह वैसे नहीं, फिर नया कवर चढ़ता है, नया कवर चढ़ता है, ये मैंने देखा कवर वापिस पूरा का पूरा कवर वापिस आ जाता है। अच्छा, लेकिन टूटती नहीं, ये बात देखो, फिर नरम हो जाती है, लोग मारते हैं तो जड़ से कवर खोल, तो अच्छा है। देखो तुम आए और मैंने ये टॉपिक निकाला, मेरे को कुछ सीखने में, मैं तो डेली बेसिस पे करता तो मेरे को भी हाँ, ये तकलीफ हो जाती है, एक्चुअली ये ना मेरे शेयरिंग, हां शेयरिंग करो तो आपको मालूम पड़ता होता है ना, तो वो बैठ के बातें होती है बहुत जरूरी है, हमारी ऑफ द कैमरा मतलब हमारी नॉर्मली भी जब बातें होती है, मैं तुम्हारे यहाँ पर जाता हूँ या तुम मेरे यहाँ पर आते हो, तो हमारी मोस्टली टॉपिक क्या होती है बकरों के ताल्लुक से, हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है दूसरों की बात, हम लोग सीखने के लिए तैयार है, आज भी हमको सिखाओगे हम सीखेंगे, हम लोग कोई मास्टर नहीं है भाई, हम कोई डिग्री नहीं है, हम कंसल्टेंसी नहीं चलाते, हम बोलते नहीं कि ये करो वो करो, हम किसी के क्वेश्चन के आंसर देने की औकात भी नहीं रखते, हमारी जो नॉलेज हम शेयर करते हैं आज इनसे सिखाओ, कल मैं इंशाल्लाह मेरा भाई है मंजूर भाई, मैं भी बताया मंजूर भाई वेरी गुड टैलेंटेड पर्सन माशाल्लाह, उनके बहुत सारा मतलब हम लोग बचपन से साथ में बड़े हुए, मतलब हम लोग एक ही घर में रहे, एक उनकी उनकी जो सिस्टर है मेघना दीदी मेरा ट्यूशन टीचर थी, तो मैं उनके घर में पला बड़ा, तो वो भाई मेरे को फोन आता है रहमान बेटा ऐसा कर बहुत कुछ मेरे फार्म पे उन्होंने मेरे को मंजूर भाई से ना एक्चुअली है ना देसी नुस्खा या कोई भी एक्सपीरियंस लेना है, मतलब 15-16 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास या उसके उससे ज्यादा है, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, तो हम लोग सीखने के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग है ना जो बयान करते हैं ना तो हमारे को पर हम लोग किसी के ऊपर टोन नहीं करते, हम लोग हमारी आप भी थी बताते, तो कुछ लोग है ना फेक आईडी बना के आते और स्क्रीनशॉट बन रहे थे, वो कान के कच्चे होते हैं फार्म ओनर, वो देखते भाई ये मेरे को ही बोला, अब मेरे को ही बोला, अब बाद में जाके है ना किसी जो माँ बहन करते ना उनको प्रमोट करते, वही 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 होता है। मैं बता चाहूंगा आई गॉट अ नाइस मेंढा, मैं इसको पलाई पे रखे गिफ्ट दिए हर के मैंने, ये पलाई पे आया मेरे पास अभी इंशाल्लाह, इसका अभी मैं बेसिक वीडियो अभी हरी पत्ती पे चलेगा, बाद में अनाज पे कन्वर्ट करेंगे इसको, वेट गेन चाहिए तो बड़े फार्म पे भेजना पड़ेगा, हाँ इसको बड़े फार्म पे भेजूंगा, रिजल्ट चाहिए मेरे को, मेरा ये मेंढा बढ़ना चाहिए, ये देखो मेरे को वेट गेन तो बना देना नहीं, इसी साइज बढ़ा के दो, मैं इंशाल्लाह उनको 1 लाख रुपए बगैर पर बंद दूंगा, पर बंद 1 लाख पर बंद पलाई दूंगा, इसकी साइज बढ़ा के दो, माशाल्लाह बहुत हाइब्रिड है, अभी सिक्के निकले नहीं, सिक्के आएंगे अभी, तो ये मेरे को आरके वाले गिफ्ट दिया, थैंक्स अ लॉट भाई, और ये मैं मेक श्योर मेरी गाड़ी में आगे लगाओ जैसे उनकी गाड़ी में आगे, मेरे गाड़ी में लगा, हम भी पकड़ रहे हैं, बाड़ा बचा हुआ है, अरे बाड़ा कंप्लीट करते कंप्लीट करते, वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन डबल 2-3 पार्ट में डालेंगे, माशा इंशाल्लाह दो पार्ट में जाएगा, ये बाड़ा सबसे पहले बढ़ा आगे वाला।
हालांकि वो बाड़ा था जिसमें अपन पहले गए। अच्छा, वो खस्सियों का था पहले। हाँ हाँ, अंडों का तो यही था ना। ये जो कॉन्सेप्ट दीवार वाला है, मेरे को लगता है ये मैंने पहली बार आपके वहाँ पहला ही यहाँ पर दीवार वाला कॉन्सेप्ट है। दीवार वाला कॉन्सेप्ट है माशाल्लाह, मेरे को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था। बट ये एक्सपेंसिव है केक बनाने से ज्यादा, वो सर देखो हीट और सीमेंट का खर्चा लंबा है। नहीं, हीट और इसके बाद में भी ये वो सब कुछ हो गया। ये देखो ये डैमेज करके गए थे, अभी मैंने रिपेयरिंग किया, उसका मेंटेनेंस बहुत हाई बहुत हाई। ये यहाँ पर देखो डैमेज करके गए थे, ये भी डैमेज होता है। हाँ भाई फोड़ डालते भाई, फोड़ डालते। और जब ईद के टाइम पे क्या होता है कि ज्यादा कस्टमर आते हैं ना, हाँ एग्रेसिव देखना रहता है, मना नहीं करते, मना नहीं करते, तो वो आते वो एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव में इसमें स्टार्टिंग में 6 महीना मेरे यहाँ पर बकरों ने कुछ भी नहीं किया, जो ईद के टाइम पे जाने लग गए ना बकरे, तो ये बकरा गर्म हो गया क्या भाई, उसका साथीदार चला गया वो, लोग ज्यादा आ रहे थे देखने के लिए, नए चेहरे, गर्माहट चालू, फिर वो प्रॉब्लम। ईद के पहले एक महीना पहले जब भी मैं फर्स्ट टाइम भी आया था, तब भी मेरा फेवरेट सेटअप था माशाल्लाह। इसने क्या हाल किया उसका, एयर होस है ना ये, क्या हाल है ये देखो, पूरा निकाल के ये ब्लैक टेप भी मारी थी उसके बावजूद। बताने का रीजन ये, हर फार्म वाले पूरी मेहनत करते हैं, इसके बाद में भी प्रिकॉशन कर रहे हैं या जो भी है, लेकिन सडनली मैं तो वही बोलता ना भाई, प्रिकॉशन है अभी। ये इनका फॉर एग्जाम्पल ये बकरा है, इसमें हॉर्स पाइप लगा नहीं, अब ये अब रातों रात मुझे क्या मालूम क्या हो गया, घसते घसते गुस्सा पटक दिया, एग्रेसिव हो जाएंगे तो कैसा होगा पता नहीं चल, नया लोग बाड़े पे आगे मार दिए और रातों रात साइड में सिंह, तो वी कैन नॉट कंट्रोल ऑन दिस, बस प्रिकॉशन ही ना अपना काम है। ये रिसेंटली आए, ये दूसरा महीना चालू है। अच्छा फरी कुछ कान का लेंथ भी, ये बर्फी है, इसका नाम बर्फी है, बर्फी बर्फी अमेरिकनो तंबे जाफरान, ये बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। फैसल भाई चुन चुन के रखे हैं टाइगर, ये प्रिंस है माशाल्लाह। बड़े बड़े बकरे भाई हमारे यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है छुपा के तो नहीं रखते ना, छुपा के तो नहीं रखते, छुपा के नहीं है, छुपा के देखो लोग आ रहे हैं नॉर्मली, जिनके बकरे भी नहीं है शौकिया तौर पे आ रहे हैं, छुपा अंदर मत जाओ यहाँ मत जाओ भाई, देखो मत। एक और चीज बोलना चाहूंगा, देखो ये भी होता है, ये पाल जाते मेरा खुद का बकरा है, आप देखो मेरा बकरा है उसके बाल जा सकते हैं, तो कस्टमर के कैसे नहीं आ सकते, इसके ऊपर ये देखो पाइप डाला हुआ है, पूरा घुमा देते लोग, पूरा घुमा देते हैं, नीचे का जो रस्सी का हिस्सा ऊपर आ जाता, पाल निकल जाता, तो सोच लो वो होता है, जो बकरे के जाएंगे ना कितना भी प्रिकॉशन कर लो, अभी इतना सब करने के बाद में ये देखो पाइप है, देखो ये पाइप जॉइंट है, बीच में से काट दी है, पाइप के बावजूद भी पाल जाएंगे, पाल जाएंगे जाने वाला, उसका कुछ नहीं है, कर सकते हैं देसी नुस्खा है, बाद में तेल लगाओ, तेल वो आ जाएंगे बालों, लेकिन ये होता है गर्दन पे रस्सी रहेगी बाल भी निकलेंगे, सब कुछ होता है भाई, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये देखो ये बकरा पहले इधर था, इसने क्या किया तोड़ दिया पूरा, मतलब ईंट के साथ तोड़ दिया, हां तो ये शान बकरे को डाले उसको यहां पर, तो ये डैमेज है, ये लुक लुक है ना, मतलब ये डेड इन्वेस्टमेंट, डेड इन्वेस्टमेंट, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खर्चा बहुत है, हमारे हमारे सब लेवल से है, ये एक और पाइप वहां है और एक यहां है, ये देखो निकाल देते हैं इस तरीके से ये लोग, फाड़ दिया फाड़ दिया फाड़ उस पाइप, ये जुमान टू ने पाइप फाड़ दिया, गुस्सा है जुमान टू का माशाल्लाह, इसका नाम ये एवरेस्ट है, ये केज खाली है, जो बाहर बकरे बंधे हुए वो इंशाल्लाह आएंगे, इसका नाम क्वालिटी है,
क्वालिटी क्या है, क्वालिटी पकड़ा निकाल रहा है, क्वालिटी नाम है, क्वालिटी है, अरे क्वालिटी पकड़ा, अरे क्वालिटी तो है, तुमने बोल क्वालिटी का क्वालिटी निकाला मैंने उन्होंने रत्नागिरी से खरीदे, अपने पास एक महीना हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ये बकरे है ना, देखो मोहम्मद भाई, ये अभी केज में आपको ना बहुत शॉर्ट ही दिख, शॉर्ट दिख रहे हैं, लेकिन जब बाहर निकलेगा, बाहर निकलते मालूम पड़ता है, बाहर निकलेगा तो असली रूआ मार, एक्चुअली है ना नई वीडियो बनाते हैं, क्योंकि लोगों की अमानत है, परमिशन लेना पड़ता है। सब कुछ ऐसा है कि भाई ठीक है, कोई यूट्यूबर आ गया, पार्टी ने बोल दी निकालो वीडियो फटाफट बनाओ, अगर मैं जिस दिन बताया कि भाई बनाऊंगा तो सब बकरे की बनाऊ, सब बकरों के ए टू जेड बकरे आए हैं फार्म पे, ए टू जेड बकरे दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। तो हमारे पास इतने बकरे थे पलाई पे, ये इतना इतना रिजल्ट है, तो ऑल इन वन है ना, फिर मालूम पड़ता है परसेंटेज पलाई रिजल्ट का। अच्छा, लोग पलाई का रिजल्ट का डिवाइड बाय 6 महीना, डिवाइड बाय 8 महीना, इज इक्वल टू 7.5 मंथ, 6.5 पर मंथ, ये लोग बना के वीडियो डालते हैं भाई, 70 की हो, अच्छा डिवाइड करो 11 मंथ, ओके भाई कब आया था ये, कैलेंडर करो और दिखाते हैं हम लोग, क्यों नहीं है बार बार हर बकरा है ना एक इसके ऊपर नहीं जाता। लेमन भाई ये बकरा आ जाया है, ये 10 केजी पहले महीने में वेट गेन किया, ठीक है, अब ये 10 केजी हर महीने में वेट गेन करेगा, आप लिख के दे सकते हो, नहीं कभी रिवर्स होगा, और कोई कोई बकरे तो ऐसा है तो बैक टू बैक है ना, तुम्हारे को हिस्ट्री मार देते 10 10 10 10, और उसके बाद में 6 महीने तक उधर एक्स्ट्रा की इसके आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरे पास है ऐसा बकरा है, अपने उनके बकरे तुम्हारे पास भी है, अपने अबरार भाई मैंगलोर वाले, मैंगलोर वाले का मेरे पास एक बकरा, वो स्टार्टिंग में क्या स्पीड में गेन और 2 महीने से स्टक ही हो गया, उसके ऊपर हर एग्जाम्पल कर लिया लेकिन बढ़ रहा नहीं, वो फिर बाद में आहिस्ते 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 अपने रिदम में आए, वो नहीं, मेरे फार्म पे भी बकरा एक 6 महीना था जो आया, अच्छा खाता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वेट गेन ही नहीं कर रहा है, रिवर्स हुआ, फिर गेन किया, फिर रिवर्स हुआ, फिर गेन किया, आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन वो बकरा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, खा रहा है, फिर एक्टिव उछलता कूदता, लेकिन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वही है, वो होता है, देखो ये है ना हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि ये अल्लाह की मसलियत है और उसकी इम्यूनिटी पावर के ऊपर है, अल्लाह ताला जितनी इम्यूनिटी देगा, जितनी उसको ग्रोथ देंगे, और अल्लाह ताला की मर्जी होगी कि ये इतने वजन पे जाए तो उतने वजन पे जाएगा, तो क्या लिख के दे सकते हो कि भाई हाँ ये बकरा अच्छा है, चलो मैं 120 करके, वो सब भाई चलो 120 करके देने की गारंटी लिया, ओके आप एक बकरा मेरे को दो, मैं गारंटी लिया, बीच में मरा तो किसका नुकसान, तुम्हारा रिवर्स हो गया, वेट गेन नहीं किया, गारंटी मैंने लिया हूँ, लेकिन नुकसान तुम्हारा, तो नुकसान तुम्हारा जा रहा है उसके अंदर, मैं गारंटी सिर्फ पेपर वर्क के ऊपर, पेपर वर्क के ऊपर, तो फिर क्या फायदा, मैं साल में 20 से 25 किलो का एवरेज वेट गेन हर फार्म वाला दे सकता है, गारंटी लेने का, गारंटी वारंटी की बात नहीं आती है, सब कोई को 35 किलो लेता है, कोई 40 किलो लेता है, इतने सारे बकरे रहेंगे ना तो उसमें से कुछ बकरे हो गए जो 5 केजी भी साल में गेन नहीं हो, नहीं हो तो वो भरपाई कर 5-10 बकरे। आज सुबह में एक बकरा गया था है ना मिस्त्री, 0 वेट गेन था शायद, कितने मंथ में, ये 7 महीना हुआ, 7 महीना हुआ, जो भलाई का अमाउंट था, रिवर्स हुआ, भलाई का अमाउंट क्या लिए, पहले कस्टमर को बोला कि भाई अल्लाह ने कि भाई आपको क्या लगता है क्या भलाई देना चाहिए, तो उसने अपने हिसाब से डाल दिया, मैंने भी डाली, बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, एक्चुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, मानना देखो ओपनली आके बोल के करने से अच्छा बन लफ्जों में करे ना, तो वो एक हादिया होता है, तो वो हादिया की कुर्बानी हो जाए, वो अपने हिसाब से मेरे अकाउंट में डाल दिया और मैं भी एक्सेप्ट कर लिया और वो भी एक्सेप्ट कर लिया, तो वेरी गुड है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और ये बोल के नहीं, बोल के करिए अंडरग्राउंड, और हमारे ऐसे कितने कस्टमर है जो ऑफ द कैमरा या ऑन द कैमरा भी आकर, अगर आपके पास आ रहे हो कभी बैठे हुए हो, बैठेंगे ना मैं नए भी रहूंगा, तो वो बोलेंगे नहीं भाई मेरा बकरा वेट गेन नहीं हुआ था, बंदे ने पता ही नहीं किया, नहीं भाई वो ऐसा है कि अपन तो सामने से बोलते थे भाई तेरे बकरों का पैसा बोल दे कितना हुआ कितना नहीं, कुछ समझदार होते हैं बोले नहीं भाई ये मेरे नसीब का, और उसके बाद में क्या होता है दूसरे फार्म पे जाते हैं बोले भाई मेरा बकरा 200 ग्राम भी वेट गेन नहीं हुआ, 200 ग्राम साल में 200 ग्राम साल में 200 डिवाइड बाय कर लो पर मंथ कितना हुआ 200 ग्राम
ऑलमोस्ट पहले से ऐसी घसी हुई है लेकिन होस पाइप की क्या वाट लगाया इसने? मैंने पूरा फाड़ ये शर्ट देखो ये देखो ये देखो तो क्या फार्म वाला क्या करेगा इसे फाड़ दिया क्या करेगा कैसा बचेगा क्या प्रिपरेशन करेगा ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया हालांकि ये भी मेरा ही बकरा है। अच्छा हां तो फिर मैं इसका क्या क्या प्रिपरेशन करूं? मैं मेरा बकरा ही है मैं बता रहा हूं तो दूसरों के बकरों के लिए मैं कितना प्रिपरेशन करूं? तो मैं बता रहा हूं कि मेरी चीज पूरा फाड़ देते हैं इतना मजबूत पाइप मोटा एरो से इतना मोटा है वो ये देखो ना और दीवार पे घस के इसको और खराब कर देगा। देखो ना ये कितना 1500 psi का प्रेशर लेता है एयर का ये पाइप और वो उसको ये देखो विद इन टू psi सब खत्म हो जाता है। अंडू बकरे के मामले में बात मैंने देखा हूँ केज भी कोई psi नहीं झेलता है पूरा पाइप झेलता है मोटे से मोटा पाइप लगा दो फाड़ ही डाल देगा और इसमें ना गिने चुने फार्मर्स है अगर ये लोग है ना सबके साथ में इख्तलाफ या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके काम करे ना कस्टमर है ना फार्म से ज्यादा कस्टमर्स है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी टांग खींचने में उसकी टांग खींचने में ना कस्टमर को फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कस्टमर का आज मेरे पास कस्टमर है कल तुम्हारे पास है कल तुम्हारे पास है आज मेरे पास है होगा आपसे बकरा लेगा मेरे पास रखेगा मेरे से बकरा रहेगा आपके पास रखेगा मेरे तो 10 कस्टमर जाएंगे तुम्हारे 10 कस्टमर मेरे पास जाएंगे ये होना ही है हर साल में कस्टमर चेंज। मैंने ये बात फॉरवर्ड में टेका क्लाइंट कीप ऑन चेंजिंग वो रहते नहीं है ऐसा माशाल्लाह पूरा फार्म देखे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत सही लगा अर्घे पैसे मिले नॉलेज मिली हमने नॉलेज शेयर किया। फैसल भाई एक सवाल था कि पलाई पर रख कर ट्रेडिंग करना फायदेमंद है या नुकसान? देखो मैंने ट्रेडिंग फिलहाल तो बंद कर दिया। मैंने रीजन वाले के बकरे ना बंद कर दिया नहीं मैंने मतलब ट्रेडिंग वालों की बात कर मैंने ट्रेडिंग ट्रेडर्स के बकरे है ना बंद कर दिया लेना ही बंद कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जरिया नहीं बनना चाहता हूँ किसी के नुकसान में क्योंकि रहमान भाई आपको भी मालूम है आपने भी कितने सारे मैंने बीच में मेरे को 10 बकरे का आया पलाई बोले भाई अपन ट्रेडिंग के हिसाब से रखेंगे बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ लूंगा भी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। आपने बकरे कहीं भी रखे हुए अपन जब देखो हम लोग किसी को है ना पहली बात तो बदनाम नहीं करना चाह रहे ना हम लोग किसी की बात कर रहे हम लोग है ना आपसी बात कर रहे जो हमारा नुकसान हुआ है हमने बकरे पलाई पे किधर भी रखे क्या हमको फायदा हुआ बकरे रखने के बाद में? मैंने भी जहाँ पर भी रखा मेरे को कोई कमाई नहीं हुई स्टार्टिंग में जब बकरे भेजा सेलिंग किया लेकिन बकरे मरे ना तो मेरा लेवल सेवल हो गया। तो 10 बकरे रखो या 25 बकरे रखो उसमें से 2 बकरे अच्छे रेट में जाएंगे और बाद में उसके 8 बकरे अच्छे रेट में नहीं जा रहे अंडर कॉस्ट जा रहे तो आपका साल भर का नुकसान आप लोग कर रहे हो ट्रेडर्स। और मैं या रहमान भाई तुम पलाई माफ करोगे क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो बकरा अच्छे गेनिंग पे जा सब कुछ हो रहा है सब कुछ हो रहा है अपने पास और अच्छे ग्रोथ के ऊपर बकरा है तो फिर तुम्हारा बकरा नहीं बिक रहा है तो तुम फार्म वाले को ब्लेम नहीं कर सकते। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में काफी बाहर निकालो और खेलो स्लो मोशन तो वैसा ही हालत खराब रहती है क्लाइमेट रहती है। अभी ये जो ईद आती है वो टाइम पे क्लाइमेट चेंज वाला टाइम होता है पूरा चेंज हो जाता है वाला टाइम होता है तो उसके अंदर हम लोगों को उसके ऊपर ध्यान है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग तो यही है कस्टमर की सोचेंगे कि भाई उनका नुकसान ऐसा है कि भाई साल में 2 लाख रुपए का नुकसान करने से अच्छा 2 लाख रुपए का आप बकरा है ना अच्छा लेके कुर्बानी कर दो डायरेक्ट आप ट्रेडिंग की बकरे रखते हो 3-4 बकरे अल्लाह ना करे कभी मोर्टेलिटी हो गई या एक मोर्टेलिटी हो गया 40-50 हजार रुपया उधर गए पलाई का पैसा उधर गया खुदा ना करे कि बकरा रिवर्स आ गया तो उसका पैसा आपका गया वो नहीं है। और चलो बकरा तैयार भी होता है 110 190 या 80 केजी पे या 90 केजी पे जैसा भी बकरा जाता है इन द एंड आपको बकरे का पैसा मिलता है क्या नहीं मिलता है नहीं मिलेगा 50,000 रुपये का बकरा 40,000 रुपये की पलाई 90,000 रुपये आपका एक्सपेंस हो गया एक्सपेंस होने के बाद में आप बकरा जब बेचने निकालते हो तो आप वो बोलते भी हो कि भाई ठीक है मेरे को इतने में गिरा चलो 90 में ही बेच दो मेरा मुद्दल में कितना लगता है 50,000, 60,000, 30,000, 35,000 वही बकरे जंगल से जाके लोग 1.5 लाख रुपए में खरीदेंगे लेकिन यहाँ से नहीं खरीदेंगे। सोरठ जी सोरठ में अरे क्या बोला भाई कुछ सोरठ में दिखाओ ना सोरठ में कुछ है क्या? अरे क्या सोरठ मेरा भाई आदमी पलाई भरता है क्या सोरठ
अपना जमीर ही, मैंने ये टाइम पे लोगों के बकरे थे ना बेचा हूँ जैसे भी करके निकले हूँ, मैंने देखा हूँ क्या नुकसान होता, मैंने मेरा तो देखा ही था पहले, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई ट्रेडर्स के बकरे मैं नहीं लूंगा, भले लोगों को बुरा लगे लेकिन उसके भलाई के लिए बुरा लग रहा है वो अल्लाह ताला मेरा मेरी नीयत जानता है। बराबर। और भाई मैं तो ये बोलूंगा भलाई बोल के लाते हैं लोग, मेरे शौक का कुर्बान बाद में ट्रेडिंग करा, वो गलत बात, ये भी बहुत गलत है, बाद में बोलते मेरे ट्रेडिंग का बकरा है, अरे ये क्या बात हो गई भाई, तुमने तो बोले थे भलाई पे लेके कुर्बानी का बकरा है और बाद में तुम बोलोगे मेरा ट्रेडिंग का बकरा है, मैं बेचना है, तो ये मत करो अल्लाह के वास्ते, या भलाई अगर शौक करने का है तो शौक कर लो, ट्रेडिंग करने का ट्रेडिंग कर लो, दोनों साथ में नहीं कर सकते हो, ठीक है शौक से तुम ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन ये सोच के चलो कि तुमको फायदा है कि नहीं फायदा है, और देखो फायदा लोगों को हुआ भी है ट्रेडिंग में, मैं ये नहीं बोलता कि तुमको नुकसान हुआ है, लेकिन स्मार्ट बाइंग जंगल में अगर तुमको 15 का चीज है वो तुम उठाओगे 25,000 में तो एट द एंड वहीं तुम्हारा 10,000 प्रॉफिट गया। स्मार्ट बाइंग होना चाहिए जरूरी है, लेकिन स्मार्ट बाइंग के साथ में ना स्मार्ट लुकआउट भी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे को है ना ईद के टाइम तक बकरा नहीं रुकाना चाहिए। फरवरी मार्च में आप बेच के फारिग, ईद के दो महीना पहले, एक महीना पहले सोचते नहीं, ईद में भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, एंड में गिरा रहेगा, ये कस्टमर आएगा, ये साल काफी लोगों का नुकसान हुआ ना, कि भाई सोचे तो भाव आएगा लेकिन नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ज्यादा ट्रेडर्स के बकरे नहीं थे, एक दो ही थे, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा हो गया नुकसान की बात है, लोग उसका एक्सपेंस हो गया 60-70 हजार रुपया हो गया है, और 25-30 हजार रुपए लग रहे, तो मैं ऐसा चेहरा देख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मोबाइल निकाल के कस्टमर को फोन लगा के दे रहा हूँ, क्या भाई देखिए तेरा बकरा है इतना लग रहा है, पार्टी यहाँ खड़ी है, आप डायरेक्ट बात कर लो, वरना बाद में क्या बोलेंगे आरके भाई ने ना भाई अपना कमीशन मारे, तो वो अपन डायरेक्ट ही यहाँ से भी बकरे, मेरे यहाँ से भी इनके यहाँ पर आए ट्रेडिंग के लिए, यहाँ से फिर नहीं बिके तो फिर मंडियों में जाके बेचे, वो तो ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, तो ये मैं बोलता हूँ भाई देखो हम ट्रेडिंग की गारंटी नहीं देते, हम सेलिंग की गारंटी नहीं देते, हमारे पास आया कस्टमर, अरे भाई मेहनत भी कितनी है भाई, बेचने के बकरे कोई है क्या, अरे भाई वो निकालना है उसका बकरा, निकाल उसका बकरा, निकाल 10 बकरे बाहर निकलेंगे जाएंगे तो मेरे क्या पले के बकरे भी खराब होते हैं। एग्जैक्टली ये पॉइंट है, देखो यहाँ पर सब बकरे हैं, सब बकरों के बीच में एक ना एक ट्रेडिंग का बकरा है बीच में, आराम से, या फिर तुम्हारे को ट्रेडर्स के बकरे रखना है ना, बराबर, अगर वो सामने से नुकसान लेना चाहता है बराबर, तो ट्रेडर्स वाले लोगों के बकरे के लिए सेपरेट बाड़ा ही रख दो भाई, ये बेचने के आप जाके देख लो, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बेचने के आप जाके देख लो, देख लो समझ में, ताकि मेरे पलाई के बकरे, आपको बकरे देखना है पलाई के आप जाके देख सकते हो, लेकिन उसमें से क्या है बकरे निकालना है ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक 10-12 बकरे में एक ट्रेडिंग का बकरा निकलता है ना तो बाकी 10 बकरे वापस चल जाते हैं गरम, वो गरम हो जाता है जो पलाई वाले बकरे रिवर्स, बस 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 इसी के लिए ट्रेडिंग का मसला भाई, मैं थक गया, हमारे खुद के बकरे हम लोग लेके आते हैं, हम लोग अलग रखते हैं, हम लोग बेचते हैं भाई, बेचते हैं ना, देखो मैं भी अगर मेरे बकरे लेके आऊंगा ना बेचने के लिए तो भाई ये लास्ट वाला बाड़ा है, इसके अंदर सब बेचने वाले बकरे है, आपको चाहिए वहाँ पर जाके देख लो, आप फार्म पूरा घूम सकते हो, मना ही नहीं, लेकिन इसमें से बकरा नहीं निकल सकता, मालूम होता है कि तुम तो बोले थे भलाई क्या, बाद में एड पे ट्रेडिंग के निकालोगे तो फिर अपने अलग कैसे करूंगा, नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता, कस्टमर भी है ना थोड़ा हम लोगों के साथ में, फार्म वाले के साथ में कोऑपरेट करे, कि भाई अगर ट्रेडिंग का पहले ही है, अगर हम लोग ट्रेडिंग के बकरे नहीं ले रहे तो आप पहले ही बता दो कि भाई ये मेरे को ट्रेडिंग करना है, तो वो एक टाइम पे ना आपका भी है ना मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारा भी नहीं होगा और आपका नुकसान भी, लेकिन अभी नया ट्रेंड भी आ गया कि ट्रेडिंग के लिए बोलते नहीं हमारा शौक, एंड में क्या बोले भाई मैं जॉब चली गई मैं बहुत नुकसान में आ गया, ऐसे 10 लोग की 15 लोग की 20 लोग की 25 लोग की जॉब चली जाएगी, बोले हम लोग नुकसान में आ गया पैसे की जरूरत है बेचना, तो एंड टाइम पे स्टेटमेंट ये भी चेंज होता है, तो भाई ट्रेडिंग की गारंटी नहीं लेंगे हम लोग, अगर आप अलाई पे रहते एंड में आपने बोल दिया बकरी की एक महीना पहले कि हमको बेच के दे दो, हम कोशिश करेंगे लेकिन बिका नहीं बिका उसकी गारंटी नहीं लेंगे, सिंपल है जो है ट्रांसपेरेंसी जो सामने है, ये इसलिए आज डिस्कशन आर के वैसे किया हो कि ये हर फार्म की कहानी है, और अच्छा हो गया रहमान भाई तुम आए हो, क्योंकि ये आपको हेडलाइन में डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब बंद करके बैठा हूँ, तो चलो आप आए तो लोगों तक मेरी बातें पहुँचाने का मेरे को एक जरिया, रीजन क्या है कि भाई मेरी माँ की तबीयत खराब है, मतलब वहीद की अम्मी है वो मेरी अम्मी है, तो उनकी तबीयत उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, और मेरी भी तबीयत खराब थी, फिर घर पे से मेरे अम्मी हार्ट पेशेंट है, तो उनका वो भी किसी ने वीडियोस बता दिया, बोले ऐसा ऐसा हो रहा है और ये रोक बाई ठोक जवाब दे रहा है, तो मेरे अम्मी बोले कि भाई नहीं नजर का नहीं, मेरे अम्मी बोले पहले से ही शॉर्ट टेम्पर है, फिर कुछ हो जाएगा, तो उससे अच्छा मेरे अम्मी ने मुझे बोले क्या एक महीने के लिए ये सब चीजों से दूर रहे, सोशल मीडिया, तो मैं बोला क्या एक महीने के बाद में भी होगा तो ऐसा, तो बोले जवाब मत दे,
अगर तेरे को जवाब देना है तो फार्म बंद कर दे। तो मैंने ऑप्शन ये चूज किया कि भाई एक महीने के लिए मैं खामोश रहूं। एक महीने के लिए सो रहा है। मतलब शेर सोया मतलब ये नहीं कि जंगल में शेर है नहीं। हाँ, और डायलॉग यार शेर सोया जंगल में, इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में शेर है, जंगल में शेर अब सोया है। सो देखो भाई मैं तो मैंने मेरी अभी इनकी माँ ने जो उनको बोली, मेरी माँ ने भी यही बोली रहमान कि भाई बस कर कि भाई जान दे, इन लोग जितने लोग तुम बोलते हो इसको जवाब मत दे। नहीं जवाब, लेकिन मेरे अब्बा का एक अच्छा सवाल था इसमें, इसे मेरे अब्बा ने अच्छा रोल प्ले किया। बोले बेटा तेरा नाम रहमान मिस्त्री है, मैं तेरा बाप अनवर मिस्त्री, ये राजस्थानी ब्लड लाइन में एक है कि अगर दोस्ती है ना तो जान दे दो और दुश्मनी हैगा तो जान ले लो। ले लेंगे चलो एंड करते, एक घंटे का वीडियो बन गया माशाल्लाह। तो ये कस्टमर भी आ रहे, संडे का दिन है, कस्टमर्स नहीं है विजिटर्स है, विजिटर्स है, ये बकरे नहीं है अपने यहाँ पर, लेकिन अपन किसी को मना नहीं करते, शौक के तौर पे बच्ची आई हुई है तो उनको बकरों का बहुत ज्यादा शौक। ये तो चीज मैं मार्के भाई को बोलूंगा और मैं अपने आप को भी तारीफ करूँ, हम लोग ने कभी भी शौकीन लोग को फार्म पे रोके नहीं, उनको तो मैं तो बोलता हूँ मेरे पल्ला कस्टमर से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि नहीं भाई आज यहाँ आ रहे शौक करेंगे, बकरे देखेंगे और कल जाके अपना शौक को बढ़ाएंगे। सो यही होता है रेवोल्यूशन लाना भाई, और रेवोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह आरके भाई के वजह से, हमारे वजह से और बाकी शौकीन लोग की वजह से आया है, लोग बढ़े हैं और लोग बोलते हैं कि भाई पलाई करना छोड़ दिया लोगों ने, लोगों बोलते हैं कि पलाई कोई दे रहा नहीं, सब डर रहे, कौन डर रहा है, कोई डर रहा है, कितने लोग इंटर कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी टॉपिक है, कौन डर रहा है, पलाई कोई नहीं दे रहा है। आज भी लिस्ट बता देता हूँ तुम्हारे को स्क्रीनशॉट की, मेरे कस्टमर को मैंने ये महीने की कोई वीडियो नहीं दिया हूँ बराबर, लेकिन पलाई धड़ाधड़ आई है, काफी कस्टमर है, काफी लोग, हमजा भाई, मुस्तफीज भाई, मुस्तफा भाई, ऐसे लोग है भाई, एक फोन की जरूरत नहीं है, और हम लोग ने तो कभी कस्टमर को फोन किया भी नहीं है। मांगता नहीं होगा, मैं मांगना शुरू करूंगा कोई ना नहीं बोलेगा, जो 100% में से 10% कस्टमर होते हैं जो नहीं डालते, बट 90% होता है, 75-80% लोग पलाई डालते हैं भाई। मैं तो पकड़ूंगा कि 95% कस्टमर है, मैं तारीफ करूंगा कि हमारे पास जो कस्टमर है वो पलाई बराबर ऑन टाइम दे रहे हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे है मेरे पास कम से कम 2-4% जो कस्टमर है उन्होंने जुलाई तक की पेमेंट कर पूरा ईयर का देके पूरे साल का, वो क्यों नहीं बोलते लोग भाई, जो साल का पेमेंट दे देते हैं, 6-6 महीने का बकरे के साथ में देते हैं, उनके कस्टमर लोग क्यों पीछे पड़े हो भाई तुम लोग, उनसे तुम्हारा सारा फार्म चल रहा है, उनसे ही तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, और कस्टमर को तो पलाई नहीं आती, कौन बोलता है पलाई नहीं आती, पलाई बराबर टाइम पे आती है, बहुत अच्छी टॉपिक निकाला, और पलाई नहीं आती ना तो फार्म नहीं चलता, घर बेचना पड़ता है, इतना पैसा जाता है इसके ऊपर, और जो एक्सपेंस होता है। अब भी देखो रिसेंटली लास्ट वीक मेरी 25,000 रूपए की दवाई आई है, स्टॉक में रखना पड़ता, स्टॉक हर महीने का 5-6 टन दाना जाता है, हरी पत्ती जाती है, वो आदमी पॉकेट से डालेगे, मोहम्मद भाई आप पॉकेट से डालोगे कब तक, 6 महीना, साल, साल, 2 साल, आपको भी आगे जाके ना घर पे जवाब देना पड़ता है। तो घर वाले भाई ठीक है मेरा पैसा है, मेरे को कोई सवाल करने वाला नहीं है, लेकिन मेरे सर के ऊपर मेरी माँ बैठी हुई है, पैसा क्या कर रहा है वो बता, मेरे को पैसा किधर कर रहा है, आ रहा है कि नहीं, घर चल रहा है, घर का खर्च, मेरे को छूट दे दी गई है कि सब महीने बंद करके मैं फार्म पे बैठा हूँ, मेरे महीने का खर्चा आना चाहिए घर का, और लेकिन मैं इतना मानता हूँ अगर मैं मेरे घर वाले लोगों के नजर में बहुत अच्छा हूँ ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई कितना पूछे, सिंपल बस हो गया, हमारे माँ की नजर में हम अच्छे हैं ना, दुनिया गई भाड़ में, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, उखाड़ लो जो उखाड़ने का, हम लोग ऐसी थे ऐसी रहेंगे, ऐसी बॉन्डिंग रहेगी इंशाल्लाह, हम लोग किसी से फर्क नहीं पड़ता है, पूरा हमारे दोनों के अगेंस्ट पूरी इंडस्ट्री भी आ गई ना तो भी हमको नहीं, वो ऊपर वाली इंडस्ट्री साथ में हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंडस्ट्री जब तक साथ में है ना, मेरे को बाकी कोई इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, माँ बाप की दुआ है माँ बाप की दुआ साथ में, और टी शर्ट ही ऐसा है कि बोलो आजादी, बोलो आजादी भाई, हम लोग जो घर से निकलते हैं ना तो हमारी माँ बाप की दुआ है जो आज हम लोग को यहाँ तक रखी है, वरना दुश्मन तो इतने बदुआ और इतने पीछे पड़े और इतने जादू तोने करने बैठे ना कि भाई ये कल्चर दो खत्म, जादू तोने भी होते हैं भाई, मुर्गी ने काला मुर्गा बांधी संदीश बहुत कुछ, अरे भाई अरे मजाक लग रहा है तुम्हारे को भाई, तागा वागा सब चालू है भाई, गले में काला धागा बांध के घूमता हूँ, वो उधर भी फार्म से पहले नहीं था करने लगे, बस बोले ये दबो, ये दोनों को कैसा भी तो ये दब रहे नहीं है, बदनजरी से बचने के लिए ये जुड़ते भी नहीं है और ये दबते भी नहीं, ये एक्चुअली क्या है मालूम क्या, देखो हम लोग है ना हकीकत बता रहे, हम लोग किसी को टोन नहीं कर रहे,
लेकिन लोग है ना, वो एक मेरी एक शायरी थी कि बहुत सारे कबूतर निकले हैं खिलाफ मेरे खिलाफ हवाओं में, शायद उड़ता हुआ तीर लेने का शौक है इनको। बहुत लोग है भाई, खाली एक तीर छोड़ दो, मेरे को दिया था, मेरे को दिया था, सब अपने ऊपर ले लेते हैं। अरे चाचा कौन था ये आज तक नहीं मालूम पड़ा। चाचा मालूम पड़ जाएगा। देखो मोहम्मद भाई, देखो ऐसा है क्या क्या है मालूम क्या, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है और मैंने ना बहुत स्ट्रगल किया हूँ यहाँ तक पहुँचने, रहमान भाई ने भी स्ट्रगल किया, तो आदमी की है ना सोच है। नहीं, जब तुम ये सब बोलते हो ना तो लोग, काफी लोग इंस्टा पे दूसरी आईडी चलाते हैं, बोले यार आरके भाई यार सिंपति लेते, ये सब बोलकर सिंपति लेते। वेरी गुड, अच्छी बात है, हम सिंपति ले रहे हैं और तो तुम ग्लिसरीन आंख में डाल के आंसू निकालते, वो क्या करते, वो क्या करते, सीधा बाबा बाबा बाय 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 बाय, माय गॉड, ओ माय गॉड। और शौक नहीं है, जो भी है अपने दम पे है और रियल आईडी के ऊपर है, फेक आईडी के ऊपर नहीं बोलते, हमारा आईडी है, हमारा आईडी के ऊपर चल रहे हैं, तो वो हम लोग फेक आईडी पे एक्चुअली डिपेंडेंट भी नहीं है ना, नहीं है, मैं अपने असल इसके ऊपर काम आ रहा हूँ, अगर कोई चीज मेरे को पसंद नहीं है ना तो मैं ना उसको ब्लॉक मोड पे डाल देता हूँ, सिंपल खत्म है भाई, ठीक है चल तेरी मेरी जमरी नहीं है, जमरी तू ब्लॉक मोड पे, थोड़े दिन के बाद में तेरे को अक्कल आएगी, तो ठीक है तू अनब्लॉक मोड पे आ जाएगा, लेकिन नहीं है। अब वो जो बन रहे हैं उनकी तो मैंने खुद तारीफ किया, उनके पर्सनल में जाके उन्होंने वो मैसेज नहीं डाले, यू आर मेकिंग नाइस वीडियो कीप इट अप, वो मैसेज ने वेरी फर्स्ट डे चार महीना पहले। फैशन आ गया है कि हमारे भाई लोग के साथ में ही जुड़ने के पीछे वो लोग हमारी बुराई चालू कर दी ले, कि भाई तुम्हारे बारे में तो ऐसा बोलता था, तुम्हारे बारे में वैसा बोलता था, मुंह पे बोलो सामने टेबल पे बैठ के बाकायदा कैमरा के बीच में, आधी रात को बोलो रहमान मिस्त्री आएगा, पीछे पीछे मत बोलो, सामने सामने करो, भरत के बच्चे हो ना तो सामने, मतलब ये वो सामने क्यों नहीं बुलाते यार, लोग डिस्कस क्यों करते, नहीं कर सकते ना क्योंकि अपन फ्री की बिरयानी नहीं खाते। मेरे को तो 60% क्या बोले, हम लोग तो खाना खाने गए थे, वैसे ही खाना खाने बैठ गए थे, हमको तो भूख लगी थी, पटे खाए भाड़ रहे जो बोलते बोल रहे भाई, अल्लाह के बच्चे ऐसे कॉन्फिडेंस अपन नहीं करेंगे, नहीं अपन अपन दोनों का ही कॉन्फिडेंस करते हैं, अपने लिए वही है, अपन ही खा पी के मस्त करेंगे, मस्त है। और देखो रहमान भाई ऐसी दोस्ती हमेशा बरकरार रखे, कुछ जो आज हमारे खिलाफ है वो हमारे साथ भी थे पहले, साथ भी थे, लेकिन क्या है कुछ चीजों की वजह से नाइत्तेफाकी हो गई है, बराबर रीजन क्या है कि हम लोग बोले कि हक पे बोलो, अब वो हक पे नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो झूठ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो ठीक है उनकी मसलियत है, तो हम लोग बुराई नहीं कर रहे, तो हम लोगों को इतना बुरा मत बनाओ दुनिया में क्या दुनिया तुम्हारे पर थूके, सिंपल है, ठीक है चलो एंड करते हैं फिर वीडियो, ये वीडियो क्लोज करते हैं भाई, इसकी सिंग जब आएगी तब मैं टक्कर मारूंगा, तो फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़, सुबह हाफिज़, थोड़ा स्पाइसी, ओके चलो अल्लाह हाफिज़।